और बड़ी खबर इस वक्त आतंकी संदीप शर्मा से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, जिसको जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है। तो आतंकी संदीप शर्मा का भाई प्रवीण शर्मा है, जो मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। पिता का नाम राम कुमार है, मां का नाम प्रेमवती और भाभी रेखा भी मुस्तफाबाद की रहने वाली, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। 10 साल पहले नई मंडी थाने के पचेड़ा रोड पर ये लोग रह रहे थे। 8 साल पहले जब पिता की मौत हुई तो उसके बाद मकान बेच दिया और मकान बेचने के बाद ये लोग अंकित विहार में रहने लगे। पड़ोसियों का कहना है कि संदीप काफी खुरापाती किस्म का था। 7-8 साल पहले संदीप जम्मू चला गया। संदीप की भाभी रेखा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो आपको बता दें कि संदीप जिसे कि यहाँ गिरफ्तार किया गया जम्मू कश्मीर से, उसके परिवार के बारे में समाचार क्या सबसे पहले आपको बता रहा है। जी हाँ, संदीप के पिता का नाम राम कुमार है, जबकि माँ का नाम प्रेमवती है, और संदीप शर्मा के भाई का नाम प्रवीण शर्मा है, जो मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। और इसके बाद जब इनके पिता का देहांत हुआ तो ये लोग अपना मकान बेचकर अंकित विहार में आ गए, जहाँ वर्तमान में रहते हैं। तो इससे 10 साल पहले इनका परिवार नई मंडी थाने के पचेड़ा रोड पर रह रहा था। 8 साल पहले जब पिता की मौत हुई तो अपना मकान इन लोगों ने बेच दिया और उसके बाद ये लोग अंकित विहार में रहने के लिए आ गए। पड़ोसियों से जब पूछा गया संदीप के बारे में तो बहुत अच्छी राय नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि काफी खुराफाती किस्म का था संदीप और ये जम्मू कश्मीर चला गया था 7 से 8 साल पहले। संदीप की भाभी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई है संदीप उर्फ आदिल की, उसके कम से कम 3 आतंकी घटनाओं में शामिल होने की बात कही जा रही है। तो समाचार प्रेस से बड़ी खबर आपको बता रहा है, आतंकी संदीप के परिवार को समाचार प्रेस ने खोज निकाला है, उनका इतिहास खोज निकाला है और वो आपको समाचार प्रेस बता रहा है। और फिलहाल जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, इनका कहना है कि जो रिकॉर्ड है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड यूपी में रहते हुए वो भी खंगाले जाएंगे, क्योंकि ये बात सामने आई है कि वो एटीएम लूट कर आतंकियों को वो पैसे दिया करता था। तो जो एटीएम के बड़े लूटकांड हुए हैं, क्या उसमें संदीप का हाथ था, इसकी भी तहकीकात की जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीर उस घर की दिखा रहा है समाचार पत्र, जहां से संदीप का रिश्ता है। तो बड़ी खबर यही कि संदीप का जो पूरा परिवार था वो मुस्तफाबाद में रहता था। तो ये खबर समाचार पत्र आपको बता रहा है, 7-8 साल पहले संदीप अपने घर को छोड़कर चला गया था। और इस वक्त प्रवीण शर्मा, जो संदीप शर्मा के भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। जो खबर आज मिली है, क्या उस खबर ने आपको चौंकाया या कुछ कुछ आप लोगों को भान था? नहीं सर, आज वो सॉरी मैम, ये खबर आज हमें एसएसपी साहब ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैंने उनसे पूछा आप बात बताइए। हाँ। उन्होंने कहा कि न्यूज देखे, जब मैंने न्यूज में देखा कि संदीप, फिर भी मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, फिर भी जब मैंने फोटो देखी, जब मुझे विश्वास हुआ कि इसने इतना गलत इतना घिनौना काम किया है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैंने पहले भी न्यूज में कहा है और मेरी अब भी यही बात है, सरकार जो इसे सजा देना चाहे, हमारी सेना जो दिन रात मेहनत करती है वो जो इसे सजा देना चाहे, मौत भी अगर इसको देना चाहे तो इसको मौत भी देते, मेरे परिवार मेरे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होगी। तो प्रवीण ये बताएं, कब से ये यहाँ छोड़कर जम्मू कश्मीर में चला गया था और क्या इस बीच आपका संपर्क हुआ था संदीप से? ये मैम 3.5 साल पहले मेरी बुआ जी के लड़के के साथ नौकरी करने गया था। हाँ। ये वेल्डिंग का काम करता था, ये पावर ग्रिड बन रहा था कहीं कश्मीर में या जम्मू में। हाँ। तो इसके 1-2 महीने फोन आया, मम्मी के पास आया, भाभी के पास आया, तो बातचीत होती रहती थी, मैं सही हूँ, अभी ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया, मैं जब आऊंगा, मैं दिवाली पे आऊंगा, मैं होली पे आऊंगा। ये 2.5 साल से घर पे बिल्कुल भी नहीं आया है, मेरे सामने तो नहीं आया। अभी बीच में इसकी मेरी बात हो पाई थी कोई 3 महीने पहले। अच्छा। 3 महीने पहले SHO साहब काजीकुंड का मेरे पे फोन आया था कश्मीर से कि तुम्हारा भाई किसी केस में हमने पकड़ लिया है, तो वो रिपोर्टिंग में देखूंगा मेरे पास होगी। तो वो उन्हें भी मैंने यही बात कही थी कि हमारा इसके परिवार से कोई मतलब नहीं है, अगर इसने गलत किया आप इसको तुरंत जेल भेज दीजिए, हम इसको छुटाने नहीं आएंगे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपना हाँ। परिवार पता नहीं कैसे पाल रहे हैं मैम, हमें खुद पता है। तो प्रवीण, क्या कहीं ऐसी कुछ हरकतें लगती थी क्या? ये बहुत ही संदिग्ध बड़ा मामला है, बड़ा गंभीर मामला है, आतंकी घटनाओं में शामिल है, फंडिंग यहाँ पर किया करता था एटीएम को लूट के, क्योंकि आपके साथ रहा आपका भाई, तो कहीं कुछ हरकतें ऐसी लगी थी शुरू में? नहीं मैम, क्योंकि जब यहाँ से गया तो इसकी 18-19 साल उम्र होगी, ये पढ़ाई 10वीं के बाद इसने नौकरी करनी शुरू कर दी, कोई थाने में कोई लड़ाई झगड़ा किसी से कोई आज तक कोई कम्प्लेन कभी नहीं थी, लेकिन बुआ के लड़के के पास वकील ठेकेदार था दिल्ली का, जब से ये जम्मू पहुंचा है जब से ये कैसा हो गया हमको ये नहीं पता कि किससे मिला, किसके साथ बातचीत हुई, कहाँ रहता था, क्या इसने किया,
इस बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं। क्या प्रवीण ये इस बीच यहाँ आता था कि आप लोगों के पास, इस बीच क्या कभी परिवार में आप लोगों से किसी से मुलाकात की इसने? परिवार में मैं, क्योंकि मैं तो हरिद्वार नौकरी करता हूँ, मेरे पीछे अगर आया, कभी आया हो तो मम्मी से और अपनी भाभी से मुलाकात होगी। वो इस टाइम नई मंडी थाने में, वो ये बिल्कुल सच है, वो बता देंगी कि उनसे मिला है नहीं, नहीं मिला है कि आता था या नहीं। क्योंकि इतना मुझे पता है 1.5 साल से तो कोई फोन, कोई बातचीत, कोई मतलब, कोई वास्ता बिल्कुल भी नहीं था। आप कॉल डिटेल चेक कर सकते हो मेरे घर की। ठीक है, क्योंकि प्रवीण अक्सर होते हैं कि लोग भटक जाते हैं, लेकिन भटकते भटकते एक आतंकी बन जाएगा, क्या ये कभी लगा था आपको इसकी हरकतों को देखकर? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लगा था। धर्म परिवर्तन किया, ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ एक हिंदू और ब्राह्मण होते हुए ऐसा करेगा, और हिंदू देश होते हुए आतंकी मर जाना ठीक है इसका? बिल्कुल मर जाना ठीक है, बिल्कुल। प्रवीण, वैसे आतंकवाद का संबंध नहीं है धर्म से, सोच है, और वाकई में किसी की भी सोच है वो बहुत खराब है। यहाँ पर जिस तरह की खबर आई है, तो प्रवीण आपकी पत्नी है शायद रेखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनको हिरासत में लिया गया है? जी सर, तो जी मैम, उनको हिरासत में लिया गया है, उनको पूछताछ के लिए ले गए है। हाँ, और मैं भी अभी पहुँच रहा हूँ, SSP साहब से मेरी बात हुई, मैं भी उनके पास पूछताछ के लिए पहुँच रहा हूँ। और ये भी कहा जा रहा है प्रवीण कि ये ATM को लूटा करता था, और उसके बाद जो भी रकम होती थी वो आतंकियों तक पहुंचाया करता था। कुछ यूपी में घटनाएं हुई है बड़ी बड़ी, जहां करोड़ों का कैश लूटा गया, लोगों की हत्या की गई, तो यूपी में भी आने की गतिविधि चला रहा था, हो सकता है उसमें इसका हाथ हो। तो ऐसा कभी भी कहीं से भी आपको कुछ भनक नहीं लगी इसकी हरकतों की? नहीं, बिल्कुल भी भनक कोई महसूस कभी हमसे मिला ही नहीं। 2.5 साल से पहले घर रहता था, अपना काम करता था, घर पे आता था। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, प्रशासन किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन जम्मू जाने के बाद ये ना वापस आया और वहीं का ये होकर रह गया। किससे मिला, किसके साथ रहता था, किनके घर पे रहता था, क्या इसने मिलके किया, ये बिल्कुल भी आज हमें पता लगा है, आज जानकारी हमें मिली है कि ऐसा हो गया है। तो ये संदीप का क्या अपना भी कोई परिवार है प्रवीण, जाना चाहेंगे? नहीं, उनका कोई, पर जो मेरी मम्मी है वो है, मेरी भाभी है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है, तो यही उसका परिवार है। हाँ, क्योंकि आपके पिता शायद अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपकी माँ तक की खबर पहुँची है, उनका क्या कहना है जी? आपके परिवार वालों का क्या कहना है प्रवीण इस बड़ी खबर के बाद? आपकी माँ से बात हुई अभी? अभी मेरी उनसे कोई बात नहीं होगी, मैंने फोन किया था, फोन कट हो गया था। मेरे परिवार वाले से कोई बात नहीं, जो मेरी बात है वही उनका दिल है, क्योंकि हम करते हैं सुबह शाम मेहनत करते हैं, शाम को हम रोटी खाते हैं, सूखी रूखी, हमारे परिवार की किराए पर हम रहते हैं। हमारा अगर उससे कोई ताल्लुकात होता, हमें पता है हमारी स्थिति कैसी है, हमें हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो प्रवीण क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो यहाँ पर, क्या परिवार साथ है या फिर परिवार देश के साथ है? परिवार अपने भाई के साथ है, बेटे के साथ है, या देश के साथ है, क्या चाहते हैं आप, कैसी कार्रवाई हो संदीप के खिलाफ? मैं और मेरे परिवार देश के साथ है। जो सेना हमारी दिन रात मेहनत करके, दिन रात जाग के वहाँ पे हमारे देश की रक्षा कर रही है, हम पहले उनके साथ है। उसको फांसी लगे, उसको गोली मार दे सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो प्रवीण शर्मा आतंकी संदीप के भाई, उनका कहना है कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं, हम देश के साथ हैं, जो भी कार्रवाई करनी हो उसके खिलाफ की जाए, हम यहाँ पर देश के साथ हैं।